शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में। शहीद वीर नारायण सिंह 1795 से 1857 तक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक सच्चे देशभक्त व गरीबों के मसीहा थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। गोंडवाना का शेर कहा जाता था इन्हें। 17वीं सदी में सोना खान राज्य की स्थापना की गई थी। इनके पूर्वज सारंगढ़ के जमींदार के वंशज थे। सोना खान का प्राचीन नाम सिंहगढ़ था। वीर नारायण सिंह जी के पास एक घोड़ा था जो बहुत स्वामी भक्त था। वे घोड़े पर सवार होकर अपने रियासत का भ्रमण किया करते थे। एक दिन भ्रमण करते करते किसी ने उनसे कहा कि सोना खान क्षेत्र में एक नरभक्षी शेर कुछ दिनों से आतंक मचा रहा है जिसके चलते प्रजा भयभीत है। प्रजा की सेवा करने में तत्पर नारायण सिंह ने तत्काल तलवार हाथ में लेकर नरभक्षी की ओर दौड़े और कुछ ही पल में शेर को ढेर कर दिया। इस घटना के बाद उनकी इस बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वीर की पदवी से सम्मानित किया। इस सम्मान के बाद वे युवराज वीर नारायण सिंह बिंजवार के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आते हैं 1856 में, जब भीषण अकाल पड़ा। शहीद वीर नारायण सिंह चूंकि जन हित के हितैषी थे, उन्होंने अपना पूरा अनाज संग्रह लोगों के लिए खोल दिया। जब इनसे भी बात न बनी तो नारायण सिंह ने हजारों किसानों को साथ में लेकर कसडोल के जमाखोरों के गोदामों पर धावा बोलकर सारे अनाज लूट लिए व दाने दाने को तरस रहे अपनी प्रजा में बांट दिए। इसकी सूचना माखन बनिए ने इस घटना की सूचना उस समय के डिप्टी कलेक्टर इलियट से की। इसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह पर लूटपाट एवं डकैती का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया 24 अगस्त 1856 को और उन्हें रायपुर जेल में डाल दिया गया। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की, जो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई मेरठ से, और इस विद्रोह ने पूरे भारत में आग सी लगा दी। जब यह विद्रोह रायपुर पहुंचा तो 20 अगस्त 1857 को तीसरी देसी रेजिमेंट के सैनिकों के साथ वीर नारायण सिंह जेल से भाग निकले और सोना खान पहुंचकर उन्होंने 500 सैनिकों की सेना संगठित की। जेल से भागने की सूचना पाकर डिप्टी कमिश्नर ने स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को सोना खान के लिए रवाना किया। स्मिथ खरौद होते हुए देवरी पहुंचे। देवरी में जहां का जमींदार महाराज साय था, वीर नारायण सिंह का खानदानी दुश्मन था। यहां रुककर स्मिथ ने योजना बनाई कि वीर को लड़ाई के समय बाहर से मदद नहीं मिलनी चाहिए। साय ने स्मिथ की सेना का पथ प्रदर्शन किया। सोना खान के 3 फरलांग पहले एक नाले के पास वीर की सेना ने स्मिथ की सेना पर आक्रमण कर दिया। शुरुआत में स्मिथ की सेना कमजोर पड़ गई, परंतु बाद में बाहरी मदद मिलने के कारण स्मिथ की स्थिति मजबूत हो गई और वे आगे बढ़ने लगे और वीर नारायण की सेना पीछे हटने लगी। दोपहर को स्मिथ की सेना सोना खान पहुंची, खाली गांव में आग लगा दी। पूरा गांव बुरी तरह जलकर नष्ट हो गया। फिर 2 दिसंबर 1857 को कटंगी की सेना स्मिथ की सेना से मिल गई। दोपहर भोजन के बाद स्मिथ पहाड़ी की ओर कूच किया जहां वीर नारायण पहले से तैयार था। स्मिथ की सेना ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से खूब गोलीबारी हुई और अंततः वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और रायपुर जेल भेज दिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के चौराहे, जिसे वर्तमान में जयस्तंभ चौक के नाम से जाना जाता है, बांधकर वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। इसके बाद उनके शव को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया।
इस तरह से भारत के एक सच्चे देशभक्त की जीवन लीला समाप्त हो गई। उल्लेखनीय है कि गोंडवाना के शेर कहे जाने वाले अमर शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा प्राप्त है। धन्यवाद।